संसद भवन परिसर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने बजट सत्र की शुरुआत से पहले पहले दिन सभी से संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र है और पहला बजट सत्र है। वहीं राज्यसभा का 265वां सत्र है। बजट सत्र आज यानी कि 22 अप्रैल से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 19 बैठकें होंगी। क्या कुछ खास है आज पहले दिन एजेंडे में बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र, होगी 19 बैठकें। सत्र के पहले दिन आज संसद के दोनों ही सदनों में पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 23 जुलाई को पेश होगा देश का आम बजट। 18वीं लोकसभा का दूसरे सत्र में आज होगा विधायी कामकाज, सदन में रखे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र और प्रतिवेदन। केंद्रीय भवन और अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के चुनाव के लिए प्रस्ताव होगा पेश। राज्यसभा का 265वें सत्र में आज राजघाट समाधि समिति के चुनाव के लिए प्रस्ताव होगा पेश। इस दौरान प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बेहतरीन माहौल की उम्मीद जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि 18वीं लोकसभा का बजट सत्र आज से आरंभ हो रहा है। आशा है कि सदन में सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के सकारात्मक सहयोग व सार्थक चर्चा संवाद के परिणाम स्वरूप हम मिलकर देश में आर्थिक और सामाजिक बदलाव के साथ राष्ट्र की उन्नति में सहभागिता निभाएंगे। तो अब से थोड़ी देर में बजट सत्र की शुरुआत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थोड़ी ही देर में संसद भवन परिसर पहुंचेंगे। आज सत्र का पहला दिन है, आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, कल देश का यूनियन बजट, आम बजट यानी कि केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें नागरिक उड्डयन, कोयला, रक्षा, आवास और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खनन, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जुड़े अहम प्रश्न होंगे। तो आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। सांसद नीरज शेखर सरकार से हर घर जल योजना की स्थिति के बारे में सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या जल शक्ति मंत्री कृपया ये बताने की कृपा करेंगे कि 2023-24 और 2024-25 के दौरान हर घर जल योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धन का विवरण वर्षवार और राज्यवार क्या है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के तहत लक्षित घरों की संख्या राज्यवार कितनी है। सांसद जगेश का सवाल खनन मंत्री से होगा। उनका सवाल है कि क्या ये तथ्य सही है कि देश महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर भारी तरीके से निर्भर है और क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति पर काम शुरू कर दिया है। अगर हाँ तो क्या प्रस्तावित नई नीति में उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन शामिल है। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है और महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम या उपाय उठाए गए हैं। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार शिमला हिमाचल प्रदेश से हवाई सेवाओं की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री कृपया ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शिमला से हवाई सेवाओं की शुरुआत के लिए कोई प्रस्ताव रखा है। यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है। क्या केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव को कोई स्वीकृति दी है।
या शिमला सहित हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानक के हवाई अड्डों की स्थापना की कोई योजना है और शिमला हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन कब से शुरू करने की संभावना है। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा ओडिशा में पूरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थिति के बारे में सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री कृपया ये बताने की कृपा करेंगे कि ओडिशा राज्य में पूरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है, प्रस्तावित हवाई अड्डे की कुल अनुमानित लागत क्या है, प्रस्तावित हवाई अड्डे को कब तक पूरा किया जाएगा और इस हवाई अड्डे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये थे राज्यसभा के प्रश्न और आइए अब जान लेते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न किए जाएंगे। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कृति देवी देवबर्मन कॉरपोरेट कार्य मंत्री से कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मुकदमों की संख्या कम करने हेतु कदम उठाने से संबंधित सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि सरकार द्वारा कंपनी कानून के तहत लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में वापस लिए गए या कम किए गए मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की जानकारी भी वो जानना चाहेंगी। भुवनेश्वर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी संस्कृति मंत्री से राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन से जुड़ा सवाल करेंगी। विमाननीय संस्कृति मंत्री से पूछेंगे कि देश में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश में सरकार द्वारा कितने केंद्रीय पुस्तकालय और जिला पुस्तकालय स्थापित या प्रस्तावित हैं। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव संस्कृति मंत्री से वयोवृद्ध कलाकार पेंशन योजना से संबंधित सवाल करेंगे। विमाननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में वरिष्ठ बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन देने के लिए तत्संबंधी ब्यौरा और मापदंड क्या है और पिछले 5 वर्षों के दौरान वरिष्ठ कलाकार पेंशन योजना के तहत सरकार को राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही वे महाराष्ट्र के परभणी संसदीय क्षेत्र से प्राप्त आवेदनों का विवरण तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेंगे। मंडी हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत संस्कृति मंत्री से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से संबंधित सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मुख्य उद्देश्य और पहल क्या हैं और इसने भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण दस्तावेजीकरण और प्रसार में किस प्रकार से योगदान दिया है। सोनीपत हरियाणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी संस्कृति मंत्री से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा धार्मिक स्थलों और मंदिरों के संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि हरियाणा में विशेष रूप से सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किए जा रहे प्राचीन धार्मिक स्थलों और मंदिरों का विवरण क्या है। इसके साथ ही वे पूछेंगे कि क्या सरकार सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर पांडु पिंडारा जींद के विकास और संरक्षण पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। चुरू राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल कंसवा शिक्षा मंत्री से राजस्थान और कर्नाटक में नए केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो माननीय मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान और कर्नाटक में खोले गए और खोले जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों को कब तक शुरू करने की संभावना है। इसके साथ ही वो पूछेंगे कि क्या सरकार राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुजानगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। विरुधुनगर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बी मणिकम टैगोर शिक्षा मंत्री से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से आमूलचूल परिवर्तन से जुड़ा सवाल करेंगे।
वो पूछेंगी कि क्या ये सच है कि सरकार हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के प्रश्न पत्रों के लीक होने के मद्देनजर राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही वो पूछेंगे कि क्या ये भी सच है कि नीट के पेपर लीक होने से 24 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु से विदुथलाई चिरुथाइगल कांची के सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलवन शिक्षा मंत्री से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कमजोर वर्ग में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति योजना से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किसी छात्रवृत्ति योजना को काम कर रही है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और छात्रवृत्ति के लिए योजनावार क्या मानदंड निर्धारित किए गए। कोरापट ओडिशा से सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका शिक्षा मंत्रालय से सवाल करेंगे। उनका प्रश्न है कि ओडिशा के जयपुर में केंद्रीय विद्यालय की क्या स्थिति है, इसकी स्थापना में विलंब के कारण क्या है, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब तक की जाएगी, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है। कोल्लम केरल से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन के प्रेमचंद्र शिक्षा मंत्री से एनईईटी यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने से संबंध में सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। वडकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शफी परबिल शिक्षा मंत्री से 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का संशोधन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या एनसीईआरटी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के पाठ्यक्रम में संशोधन के रूप में 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी विषयों के पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन किया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। जोरहाट असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से माजुली द्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को मिट्टी के कटाव में खतरनाक वृद्धि के कारण माजुली द्वीप पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ने की जानकारी है, क्या सरकार माजुली द्वीप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की दर और गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या निगरानी कार्यक्रम चला रही है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगुदेशम पार्टी के सांसद डग्गुमल्ला प्रसाद राव वित्त मंत्री से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु वितरित धनराशि से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य के पिछले 5 वर्षों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समतुल्य राशि का योगदान क्या है। झंझारपुर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल श्रम और रोजगार मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से सहमत है कि भारत में युवा बेरोजगारी दर अब वैश्विक स्तर से अधिक है और क्या ये सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था शिक्षित युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं है। ओंगोले आंध्र प्रदेश से तेलुगुदेशम पार्टी के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से पीएमके के तहत युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना से संबंधित सवाल करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर के युवाओं को कौशल उन्नयन और पुनर्कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। फूलपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण पटेल पर्यटन मंत्री से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है, यदि हाँ तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में निष्पादित किए गए कार्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है।
दुर्ग छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से खेलो इंडिया केंद्र से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि खेलो इंडिया केंद्रों में महाराष्ट्र, हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ जिले, तमिलनाडु सहित राज्यवार और जिलावार कितने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिला है और इन एथलीटों द्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि ओडिशा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र का जलगांव जिला, झारखंड का हजारीबाग जिला, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले और तमिलनाडु सहित राज्य और जिलावार देश भर में संचालित केआईसी का खेल एकेडमी की कुल संख्या कितनी है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। इसके साथ ही आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान चार सवाल ऐसे हैं जो कि संस्कृति मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। साथ ही आज प्रश्नकाल के दौरान छह सवाल ऐसे हैं जो शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाएंगे, इनका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल वित्त मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। एक सवाल कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित होगा, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। साथ ही एक सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से भी होगा, जिसका जवाब केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सदन में आज के कामकाज पर। और सबसे पहले बात अगर करें तो लोकसभा की, लोकसभा में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शपथ लेंगे, साथ ही प्रत्यज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय से राज्य मंत्री जयंत चौधरी, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार सभापटल पर पत्र रखेंगे। केंद्रीय भवन और अन्य निर्माण कर्मकार सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही नियम 377 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। तो लोकसभा में ये थे आज के कामकाज का पूरा ब्यौरा और आइए अब जान लेते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। राज्यसभा की शुरुआत के साथ ही सदस्य एस निरंजन रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामना दी जाएगी। दिवंगत पूर्व सदस्य पी कानन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सांख्यिकी परिशिष्ट सहित आर्थिक समीक्षा 2023-24 की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा के पटल पर रखेंगी। और इसके साथ ही राजघाट समाधि समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल उपस्थित करेंगे। सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। और कुछ ही देर में आप संसद टीवी पर देख सकते हैं बजट सत्र का सीधा प्रसारण। आज पहला दिन है, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।
व्हाट इज फाइनेंस बिल।